कहाँ कहाँ आप दूर भागेंगे मुसलमानों से, उनसे आप सब्जी नहीं खरीदेंगे। वो जो चीज़ आपको सेवाएं दे रहे हैं बाजार में व्यवसायी के रूप में, आप लेना बंद कर देंगे। कहाँ कहाँ तक। नमस्ते, मैं हूँ स्वामी रामशंकर। कुछ लोगों की वजह से जिनको करना कुछ नहीं है, जो अपने कमरे में बैठ करके हमारे आपकी तरह वो अपनी बात अपना विचार लोगों के बीच में फैला रहे हैं, और जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं वो गुमराह हो रहे हैं। मैं हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सभी धर्म के लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोग जो भी बातें सुनते हैं अपने धर्माचार्यों से, थोड़ा अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसका पालन करें, अपने जीवन में उसे शामिल करें। आपको लगता है किसी भी अंश में कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो अंधभक्ति मत दिखाइए। अंधे होकर के जो बता रहे हैं उस पर चलिए मत। अच्छा होगा कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में फैसले लें और व्यवहार करें, तो इससे समाज में संतुलन बना रहेगा। आशा करते हैं आप हमारी बात से सहमत होंगे, और बात से सहमत हैं तो आप प्लीज़ इसे शेयर करिए। और इस वीडियो के जरिए केवल इतना मैं कहना चाहता हूं कि हमें कट्टर नहीं होना है। कट्टर होकर के हमको कभी कुछ नहीं मिलेगा। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका योगदान रहा है। कभी आप याद करिए उन लोगों को कि जब आप स्कूल में जाके पढ़ रहे थे तो कई सारे हिंदू मास्टरों में आपको मुस्लिम मास्टर भी आपको शिक्षित किए हैं, तो उनका आपके जीवन पर हमारे जीवन पर ऋण है। ऐसे तमाम लोग हमारे जीवन के आसपास हैं। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, पिछले दिनों हम बैग बनवाने के लिए एक दुकान पर गए। वहां पर उन्होंने बैग बनाया और बहुत विनम्रता से हमसे पूछा कि आपकी कुटिया कहाँ है, कहाँ रहते हैं। तो मैंने बताया उनको सारी बात। वो बोले हम आपके पास आके रहना चाहते। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो मुस्लिम हूँ। तो मैंने कहा कि मेरे लिए मैटर नहीं करता कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। आप अगर सात्विक तरीके से सात्विक विचारधारा के अनुसार जीवन जीते हैं तो आप हमारी कुटिया में आ सकते हैं, रह सकते हैं। तो इस तरह से हमको रहना होगा, ठीक है। रावण तब भी थे, रावण अब भी हैं। राम तब भी थे, राम अब भी हैं। मैं राम और रावण को एक विचारधारा के रूप में देखता हूँ, और इस हिसाब से मैं बात कहना चाहता हूँ कि जो रावण है उसका विरोध होना चाहिए, जो रावण का अनुयायी है उसका दमन होना चाहिए, और जो राम के विचारधारा को, शालीनता को, सभ्यता को और उनके शौर्य को जो स्वीकार करता है उसका अनुसरण होना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।